तुम जितने भी हिंदू हो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोग पीठ पर लिखवा चुके हो कि हम कभी नहीं सुधरेंगे, चाहे सामने कोई भी आ जाए। कई लोग जो है ड्रामा करते हैं, जिस तरह से फिल्म में रोल किया जाता है उस तरह से रोल करते हैं। माथे पे चंदन, गले में रुद्राक्ष, और देखोगे तो किसी की गर्दन ही काट दे। भाई के लिए भाई से दुश्मन, और कई साधु संत के साथ भी नाजायज होते मैंने देखा है। आज के साधु संत कुछ तो है ऐसे जो नाजायज करते हैं, और कुछ इंसान जो साधु संत के साथ में नाजायज करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ देखिए, किसी का भाई यदि साधु संत बन गया, अरे वो बुर्बक है, सीधा सपटा आदमी है, चलो ना उसका एक कट्ठा जमीन जो है जोत लेंगे, कथी कर लेगा। तो जो ज़्यादा तेज होता है ना, वो साधु संत का जमीन जो है हड़प लेता है। जिसका भाई साधु संत होता है वो अपने भाई का जमीन जो है हड़प लेता है। यह नहीं देखता कि हमारा भाई साधु संत में है तो हम साधु संत का हक कैसे छीन ले, क्योंकि साधु संत तो ज़्यादा मेहनती होते नहीं हैं, दूसरों को ज्ञान देने में लगे रहते हैं। तो ज़्यादातर जो है ऐसे लोग जो उसका भाई होता है खुद का अपना वही धोखा देते हैं उसको, दूसरे की तो बातें छोड़ो। इसके बाद कुछ साधु संत आज के दिन में चंदन टीका लगा करके दूसरों को बुर्बक बनाते हैं। तो यह तो कहा नहीं जा सकता है, यह तो आज व्यवसाय चल रहा है कि चंदन टीका लगा लो बाबा बन गया, तो यह एक अलग बात है। और कौन रियल है कौन झूठा है कौन सच्चा है समझ में नहीं आता, इंसानों की बस की चीज़ नहीं है कि आज के दिन में रियल साधु संत को पता लगा सके। किसी को नसीब से मिल जाता होगा तो शायद उसका जीवन तर जाता होगा, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाता होगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोग पूजा पाठ करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, तुम लोग अपने ही घर में लड़ाई झगड़े डंडा फसाद सब कुछ करते हो, दूसरे के घर में जाते हो मीठी वाणी बोलते हो, वही मीठी वाणी अपने घर में बोल लिया करो, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अपने मित्रों से सारा अपनी दुख की बात कहते हो, अपने भाई से करके देखो, कभी झगड़ा फसाद नहीं होगा। लेकिन तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं सुधरोगे, ठीक है। इसलिए तुम सब भक्ति बेकार करते हो, भक्ति करते हो और भक्ति की मर्यादा का पालन नहीं करते हो, तो भक्ति करना बेकार है, आज से ही बंद कर दो। यदि तुम्हें भक्ति करना है तो सही से करो, और धर्म का मर्यादा है, नियम है, उसे उल्लंघन मत करो। भाई भाई में सिमटे रहो, मजबूती रहेगा, ताकत रहेगा, और बहुत ही आगे कुछ होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेकर के किसी को टोका मत करो, रोका मत करो। और यहाँ तक हमारे समाज में देखा गया है कि अपनी ही भाई अपने भाई को गला तक काट देते हैं, माथा फोड़ देते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, वो उसकी माँ को गाली देते हैं, वो उसकी माँ को गाली देते हैं। अरे भाई पागल, दोनों का माँ एक ही है, किसकी माँ की गाली दे रहे हो? और अपनी मन की बातें दूसरे को सुना रहे हो, अपने भाई को नहीं सुना रहे हो, अपने भाई को नहीं समझा रहे हो। भाई भाई में विवाद है, विरोधी है, दूसरे अपने लगते हैं, यह सब गलत है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, कब सुधरोगे पता नहीं।